नमस्कार, तीन की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए जाने वाले ट्रस्ट को लेकर संतों में खेमबंदी शुरू हो गई है। हर कोई चाहता है कि ट्रस्ट में शामिल हो और उसकी अध्यक्षता करे। कल एक ऐसा ऑडियो वायरल हुआ जिससे यह लड़ाई लोगों के सामने आ गई। पूर्व सांसद राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रामविलास वेदांती का ये ऑडियो है, जिसमें वो एक दूसरे संत परमहंस से ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पर यानी वेदांती का नाम बढ़ाएं। यानी यही नहीं, वेदांती ये भी कहते हुए सुनाई दे पड़े कि किसी दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति रामानंद संप्रदाय के ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं हो सकता। ये बातचीत हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि वायरल ऑडियो है और हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये जो ट्रस्ट बनने वाला है जी सरकार, गोरखनाथ संप्रदाय का व्यक्ति रामानंद संप्रदाय के मंदिर में अध्यक्ष कैसे कर सकता है? बिल्कुल नहीं सरकार जी। और नित गोपाल दास ने योगी आदित्यनाथ के नाम को प्रस्तावित किया, समाचार आ रहा है। आप लोग मीटिंग करके विरोध कीजिए कि रामानंद संप्रदाय का ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने। बिल्कुल मैं लग जाता हूँ सर। मैं तो सभी टीवी चैनल पर हमने बोला था कि ट्रस्ट में पूज्य श्री वेदांती जी को रखा जाए। हाँ, हमारा नाम प्रस्तावित किए और नहीं तो रामानंद संप्रदाय का कोई व्यक्ति बने। दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति कैसे यहाँ बनेगा चेयरमैन जी सरकार? मैं तो पूरा सर महाराज जी वहाँ जो है तो जितना था कोई एक भी आवाज आपके पक्ष में नहीं उठाया। केवल मैं सिंगल ऐसा साधु हूँ कि सारे चैनल डिबेट में हमने आवाज उठाया। नहीं, आज से आप बोलना शुरू कीजिए कि चेयरमैन वेदांती जी बनाया जाए, नहीं तो रामानंद संप्रदाय के किसी संत को बनाया जाए। ठीक, लेकिन गोरखनाथ संप्रदाय का व्यक्ति रामानंद संप्रदाय के मंदिर का चेयरमैन कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको जो है अब ये अब नित्य गोपाल दास क्या बताए, बताइए प्रस्ताव कर रहा है की जो है योगी बनाया जाए, कैसी बात करते हैं? अब बताइए, अभी इनको जो है तो हम लोग इतना सम्मान दिए आज तक, अयोध्या का नाक कटा देंगे। बिल्कुल विरोध करिए, ठीक है ठीक है, विरोध करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत होगी तो बाद में संभालिएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कहिए सीधे रामानंद संप्रदाय का कोई संत बने चेयरमैन। ठीक है ठीक है, इस बात को हम उठा। दूसरे संप्रदाय, दूसरे संप्रदाय का चेयरमैन स्वीकार नहीं है, रामानंद संप्रदाय का कोई होना चाहिए। वहीं ऑडियो वायरल होने के बाद रामविलास वेदांती ने अपना एक वीडियो जारी कर ये सफाई दी कि कथित ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है। उनका कहना है कि वो इस तरह की भाषा और बात कर ही नहीं सकते। जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परम पूज्य श्री नित गोपाल दास जी के संबंध में परमहंस दास ने जो मेरे नाम पर किसी के द्वारा कहवा कर मेरा नाम प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल गलत है। मैंने कभी भी पूज्य नित्य गोपाल दास जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं है। उसने मुझसे कहा कि हमको रामानंदाचार्य बना दीजिए, तो मैंने कहा रामानंदाचार्य बनाने का काम अखाड़ा का है। निर्माणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा, तीनों अखाड़ा मिलकर के ही जगतगुरु रामानंदाचार्य बना। हमारे सहयोगी महेंद्र त्रिपाठी जुड़ चुके हैं अयोध्या से तमाम जानकारी के साथ। महेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है परमहंस दास और रामविलास वेदांती की बातचीत का, जिसमें रामविलास वेदांती ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने के लिए अपना नाम का प्रस्ताव देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर रामविलास वेदांती का ये बयान जो सामने आया है, इसके बाद उनका कहना है कि ये ऑडियो उनका नहीं है, वो इस तरीके की बात नहीं कह सकते, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? देखिए, ये क्योंकि कल से ये चल रहा है, संतों में जो है जंग छिड़ी हुई है। अब ये चूंकि सामने मीडिया में उजागर हो गया है, इनकी आइडियो उनके वीडियो वायरल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को छिपाने के लिए कि ये हमने नहीं गलती की है, उनकी गलती है, तो उससे पर्दा डालने के लिए एक पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आवाज तो उन्हीं डॉक्टर रामविलास वेदांती जी की है। इन्होंने चूंकि तवसी छानी के स्वामी परमहंस जी ने एक चैनल पर उसको आइडियो को दिखा दिया था, उसने न्यूज चला दी, उसके बाद से यहाँ पे संतों में विरोध हुआ, तो कल घेराव किया गया, तो अयोध्या पुलिस जो है स्वामी परमहंस को कहीं अन्यत्र अज्ञातवास में भेज दी है, जिससे वो चले गए थे। उसके बाद उन्होंने स्वयं अपना एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने महान नित्य गोपाल दास जी पर आरोप लगाया है कि वो उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और वो नहीं चाहते कि हम ट्रस्ट में जाएं, और ट्रस्ट के बनने वाले ट्रस्ट को लेके ही ये महासंग्राम अयोध्या में छिड़ गया है कि हर जो वरिष्ठ संत हैं सब उस ट्रस्ट में शामिल होना चाहते हैं, इसी वजह से सब एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं। महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि
ऑडियो वायरल होने के बाद रामविलास वेदांती ने सफाई पेश की है, वीडियो वायरल करके अपना वीडियो जारी किया है उन्होंने, और उनका कहना है कि ये मेरी आवाज नहीं है। लेकिन इससे पहले जो ऑडियो वायरल हो रहा था उसमें रामविलास वेदांती और परमहंस दास की बातचीत सामने आई, जिसमें रामविलास वेदांती खुद को ट्रस्ट में शामिल करने के लिए परमहंस से बातचीत कर रहे थे।